अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है। अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना, तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे। गणेश जी ने कहा कि न्यूज लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को जनरल, वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना, तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे। लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी, बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम, माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है, लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना है वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है।